स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज हम जाने वाले हैं, तो अंकित बताएंगे आज हम कहाँ जा रहे हैं। हम बुंदेलखंड की बहुत हिस्टोरिकल प्लेस पे जा रहे हैं, द मोस्ट फेमस प्लेस ओरछा। तो चलिए मैं ओरछा चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको वहाँ पर जो भी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी। चलिए मैं आगे मिलता हूँ और दिखाता हूँ आपको। जुड़े रहें नवनीत अरोड़ा ब्लॉग के साथ और मैं चलता हूँ आगे की ओर। मेरे साथ अंकित जो कि ब्लॉगर भी है, इनका चैनल है अंकित, किस नाम से चैनल है? अंकित यादव ब्लॉग, अंकित यादव ब्लॉग के नाम से। ये जो आप आगे देख रहे हैं आप लोग, ये ओरछा का यानी कि गेट है, यानी कि इसे वेलकम गेट भी कहते हैं। मैं चलने वाला हूँ, मैं जाता हूँ पहले विधवा नदी। यहाँ से देख सकते हैं ये मंदिर जो आपको पीछे दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं। मैं वहाँ से रिटर्न आते हुए मैं पहले विधवा नदी जाता हूँ और वहाँ से दिखाता हूँ आपको। यहाँ मंदिर है और भी कई सारी चीज़ें हैं, मैं और आपके चलते हैं और आपको दिखाते हैं आगे। यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये विधवा नदी है, कैसा हिलाता है। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ से देखने में, सम इंटरेस्टिंग। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हम आ गए हैं बेतवा नदी और यहाँ से मैंने ये जैकेट लिया है, यानी कि बोटिंग के लिए। तो बोटिंग का यहाँ चार्ज है 100 रुपये पर पर्सन और यहाँ पर मैं चढ़ता हूँ, देखो कैसा लगता है। ये बोटिंग है, ये देख सकते हैं आप बोटिंग है। और यहाँ पर ये रहा मैंने, देख सकते हैं आप पीछे, और मैं बैठता हूँ। हमारे साथ कितने चार लोग हैं, मैं हूँ शैलेश है, अंकित है और आपका नाम, ये प्रशांत है, ये प्रशांत। और मैं बैठे हूँ भाई, अच्छे से एडजस्ट होकर बैठ जाओ। तो देखते हैं हमारे साथ ये अंकित जो कि ब्लॉगर वाला।
समथिंग नहीं था तो 1 या 2 मिनट में ये हो चुका है। तो फाइनली हम लोग यहाँ से उतरेंगे, तो पैसा वसूल हो गया भाई 1 किलोमीटर की रेंज का। तो यहाँ से हम करते हैं, आ जाओ भाई। तो हम लोग घूम के आ चुके हैं, अब मैं आगे चलता हूँ, आपको मंदिर को लेके चलता हूँ। और यहाँ पर जो ऊर्जा धाम है आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये लोग लेदर जैकेट वगैरह हैं, यहाँ से बिजनेस करना चाहते हो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों वे में है। तो हम लोग आ चुके हैं, हमारे साथ शैलेश और अंकित। तो फाइनली मैं जैकेट बताता हूँ, तो मिलते हैं आपको। और भी कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो कि यहाँ पर दिखाने वाला हूँ मैं आपको, तो मैं जैकेट उतार के आपको बताता हूँ ये सारी चीज़ें। तो शैलेश कैसा रहा एक्सपीरियंस बोट में बैठने का, और भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा? बढ़िया, कितना अमेजिंग लगा यहाँ पर। भाई मना कर रहा था बैठने से, तो मैंने सोलो ने कलेक्शन करके भाई को मना लिया कि भाई हम चारों चलेंगे एक साथ। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये बोट वगैरह है जो कि जा रही है, यहाँ समथिंग 1 किलोमीटर के रेंज में रहता है। भाई देखो दिखा दें ये अंकित, या यदि वाइड एंगल जो स्लोमो शॉट ले रहा है, तो मैं चलता हूँ अंकित से पूछता हूँ कि एक्सपीरियंस कैसा रहा। अंकित कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत बढ़िया था भाई। कुछ इंटरेस्टिंग पूरा कर दिया, 1 मिनट पूरा हो गया, मतलब समथिंग ऐसा ही 1 या 2 मिनट में 1 किलोमीटर हम लोग घूम कर आ गए हैं। तो आगे हम कहाँ चलने वाले हैं? अब जाएंगे मंदिर, मंदिर चलने वाले हैं। तो आगे मंदिर की ओर चलते हैं, और आपको और सारी चीज़ें दिखाता हूँ आपको। कैमरा बढ़िया हो जी। तो हम लोग यहाँ पर अभी फोटो वगैरह शूट करने वाले हैं, खुद का फोटो शूट करेंगे, और जो कि ब्लॉग्स के लिए भी फ़ोटो लेना है, और भी कई सारी चीज़ें। तो हमारे साथ ये सारे लोग हैं, पीतवा नदी पे जो थोड़ा इसी पास में ये नदी है, ये नदी देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर जो लोग गायक यानी कि बुंदेली की गा रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए आप देख सकते हैं आपको, ये लोग ये बुंदेली गीत गा रहे हैं, क्योंकि अपनी जो ऐतिहासिक चीज़ों में अलग ही मायने रखता है बुंदेली गीत। ज़्यादातर सभी लोगों को ये सारी चीज़ें पसंद हैं, खासतौर से बुंदेली गीत। यहाँ पर ये लोग बुंदेली गीत गा रहे हैं, और यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग। यहाँ पर क्या अमेजिंग लग रहा है तुमको? मुझे तो म्यूजिक अमेजिंग लग रहा है, अमेजिंग लग रहा है, क्योंकि बुंदेली गीत है, मुझे पता था कि ये सारी चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग। चैनल को बहुत सारा प्यार दें, जुड़े रहें लंबी तौर पर ब्लॉग के साथ। धन्यवाद।